Hello students, I hope you are fine. Today we are going to learn our new chapter, chapter number 11, algebraic expression. In this chapter, first we will learn introduction of algebraic expression and how are expression formed. So let's see what is algebraic expression first. Students, class 6 में already आपने सीखा होगा कि variables क्या होते हैं और constant क्या होते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स द नंबर विच आर नॉट फिक्स्ड दैट कैन वेरी, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. जो वेरिएबल होते हैं उसको हम अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी. मीन्स ए टू जेड आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो. ठीक है, तो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट मतलब जो फिक्स है, जो नंबर्स होते हैं, जैसे वन मीन्स वन, ठीक है, टेन मीन्स टेन, फाइव मीन्स फाइव, दीज आर द कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो नंबर्स को हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं और जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. अगर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को हम मिला देते हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, बट मिलाने के लिए भी, उसको जोड़ने के लिए भी किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी. तो वो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन. इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को कम्बाइन करते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. वी यूज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑन द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट टू फॉर्म एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लिखा है 4xy plus 7 is formed from the variable. आप देखिए वेरिएबल इसमें कौन कौन सा है? x एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है. ठीक है, और कॉन्स्टेंट कौन से हैं? 4 एंड 7, ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है, और 4xy देखिए, 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहां मल्टीप्लाई का साइन है. 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स और वाई के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब वो भी मल्टीप्लाई है. ठीक है, प्लस 7. आप देखिए एक्सप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन यूज हो रहे हैं जिसमें हम वेरिएबल कॉन्स्टेंट को कंबाइन कर रहे हैं. तो 4xy plus 7 ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, अब देखिए जो 4xy plus 7 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कहेंगे? द कॉन्स्टेंट 4, 4 कॉन्स्टेंट है, इसका मल्टीप्लाई कराया गया है वेरिएबल एक्स एंड वाई में, जिससे हमको मिल गया 4xy. फिर 4xy में हमने क्या किया? 7 को एड कर दिया. ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है द कॉन्स्टेंट 4 एंड द वेरिएबल x एंड y आर मल्टीप्लाइड टू गिव द प्रोडक्ट 4xy. इन 4x और y का अगर मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला? 4xy. एंड द कॉन्स्टेंट 7 इज एडेड दिस प्रोडक्ट. उसके बाद 7 को एड किया इस प्रोडक्ट में टू गिव द एक्सप्रेशन, जिससे ये एक्सप्रेशन क्या हो गया? फॉर्म हो गया. ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ एक्स लिखा है तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? देखने में तो ये एक्स है, मीन्स वेरिएबल है. ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1x. 1 का मल्टीप्लाई अगर x में कराओगे तो x ही तो आएगा. तो इसमें 1 क्या है? कॉन्स्टेंट है. x क्या है? वेरिएबल है. और इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो बन गया 1x, मतलब x, यानी x को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन का. ओके, नेगेटिव x दिया हुआ है तो ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव 1 का मल्टीप्लाई x में कराया गया है. ओके, एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड. फर्स्ट एग्जाम्पल इज Describe how the following expressions are formed. आपको बताना है ये expressions कैसे formed हुए हैं. तो solution में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं x square की. x square कैसे find हुआ है? x square का मतलब होता है x multiply x. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Variable x multiply by x लिख दीजिए यहाँ पर, या फिर itself लिख दीजिए. ठीक है, वेरिएबल x का अगर उसी में मल्टीप्लाई आप कराओगे तो क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर मिल जाएगा. ओके, 2y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 2y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, यही तो लिखेंगे. इसका मतलब मल्टीप्लाई
कॉन्स्टेंट टू एंड वेरिएबल वाई बाय इट्सेल्फ। चाहिए तो आप ऐसे लिख दीजिए मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टू एंड वेरिएबल वाई एंड वेरिएबल वाई, दो टाइम ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 3x² - 5। देखिए ये कैसे मिला है, इसमें क्या किया है, 3x² का मतलब क्या लिखेंगे पहले, अब 3x² - 5 पहले 3x² को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 या कॉन्स्टेंट 3 ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 एंड x टू गेट 3x² एंड सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो आपने मल्टीप्लाई कराया है 3x² जो आपको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है xy का मतलब क्या, मल्टीप्लाई वेरिएबल x टू वेरिएबल y, सिंपल है ये, मल्टीप्लाई वेरिएबल x टू वेरिएबल y, ओके। 4xy + 7 इसको क्या लिखेंगे, 4xy + 7 इसको लिखेंगे जैसे ये वाला लिखा था वैसे इसको भी लिख देंगे, मल्टीप्लाई 4 एंड x एंड y, आप चाहिए तो 4 के पहले कांस्टेंट, x और y के पहले वेरिएबल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 एंड x एंड y टू गेट 4xy एंड एड 7 टू द प्रोडक्ट, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसमें 7 को ऐड करना है, ठीक है, यानी 4xy जो प्रोडक्ट आया है उसमें 7 को ऐड करना है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको एक्सप्रेशन दिया था आपने किस तरह से उसको ब्रेक किया, इस फॉर्म में लिखा। अगर मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दिया है और आपको एक्सप्रेशन फ्रेम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर टू है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। आपको वेरिएबल कॉन्स्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। कंडीशंस आपको दी गई है, फर्स्ट वन लिखा है सब्स्ट्रक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, आपको पता है फ्रॉम के बाद जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले जो होता है उसको बाद में लिखते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करना है, यानी सब्सट्रैक्ट करने के लिए जेड को सब्सट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाई मतलब वाई से सब्सट्रैक्ट करना है, तो फ्रेम हो गया एक्सप्रेशन आपका वाई माइनस जेड, दैट इज योर एक्सप्रेशन, दैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, 1/2 का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सम करना है नंबर्स एक्स एंड वाई का, यानी एक्स प्लस वाई इसका सम किया और उसका हाफ कर दिया, आप इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई दोनों का सम और उसका हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। नेक्स्ट देखिए द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जेड को जेड से मल्टीप्लाई कराना है, इस तरह से लिख दीजिए या फिर इसको हम जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन इज 1/4 का मतलब 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू अगर करोगे तो इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी आप इसको पी क्यू अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर एंड एडेड, एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, एंड एडेड मीन्स दोनों को एड कर दिया, ये आपका फॉर्म हो गया एक्सप्रेशन। सिक्स वन देखिए नंबर 5 एडेड 2, 5 को एड करना है, किसमें एड करना है, 2 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका प्रोडक्ट करना है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, m मल्टीप्लाई n, इसका प्रोडक्ट ऐसे ही आएगा m n हो जाएगा, ठीक है, उसका 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीपल, ठीक है, उसमें क्या करना है 5 एड करना है, इसको हम 3mn + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है नंबर 5 इज एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट m n, m एंड n, ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। सेवेंथ नंबर देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, y एंड z का प्रोडक्ट करिए, ठीक है, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो 10 के पहले फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो 10 - y मल्टीप्लाई जेड, पहले आपने y मल्टीप्लाई जेड किया तो उसको एक साथ लिखेंगे,
यानी इसको लिख सकते हैं 10 माइनस वाई जेड। दो वेरिएबल या एक कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स वहां कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, कीप इन योर माइंड। एट्थ पार्ट देखिए, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, पहले सम करिए, ए प्लस बी हो गया, अगर दोनों को सम करेंगे, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम, फ्रॉम के पहले क्या लिखा है, देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट मतलब इसी का प्रोडक्ट, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी से ए प्लस बी को सब्सट्रैक्ट करना, इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले ये बोला गया है कि पहले इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एंड सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स अगेन एंड देन आफ्टर दिस इज योर क्लास वर्क। हेयर आर टू क्वेश्चंस, some parts of question number 2 are here and some parts of question number 2 are given on this page. After solving these questions, check your answer which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.